अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये देखें मेरे बच्चे, ये रात को जब मैं वाइट स्पैरोज लेके आया था, ये भी सोई हुई है, कोई लाइट पड़ी है तो अभी उठने लग रही है। ये देखें, और ये इनके लिए मैं पालक का पत्ता ढूंढ के लाया हूँ सुबह सुबह। अभी इनको डालते हैं, तो उसके बाद इनको आज़ाद करने से पहले इनकी दावत भी तो होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले इनको ये पालक का पत्ता डालते हैं, फिर पालक का पत्ता डालने के बाद इनको दाना डालेंगे, दाना डालने के बाद इनको आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इनको पालक डाल के मिलते हैं। तो ये देखें, पालक के पत्ते को मैंने छोटे छोटे हिस्सों में कर लिए, तो अब ये छोटे छोटे हिस्से करने के बाद अब इनको डालते हैं। तो चलिए इनको डालते हैं। ये देखें, ये स्पैरोज है मेरी जो आज आज़ाद कर देनी है, तो इनको एहतियात से डालते हैं, जुड़ती बहुत ज़्यादा है। मैं देखें पार्क आ चुका हूँ, ये देखें सारा पार्क। तो आपको मैंने बताया था सुबह सुबह मैं इनको आज़ाद करूँगा, तो मैं आज़ाद करने आ गया हूँ। तो ये देखें, मैं इनको आज़ाद करने गया, ये देखें अब इनको आज़ाद करते हैं, तो आपको आज़ाद करके मिलते हैं। देखें सारा ऊपर दरख्त है, इस वजह से मैंने कहा था दरख्त है ना, तो ईज़िली अपना घर बना लेंगे। तो चलें अब इनको आज़ाद करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 7 बजे हैं, तो अब इनको आज़ाद करते हैं। तो ये देखिए हम आ चुके हैं, तो अब इनको आज़ाद करते हैं। चलें इनको आज़ाद करते हैं। ये देखिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारी उड़ा दी हैं, तो अब ये सारी अपने दरख्तों के ऊपर बैठी हुई हैं, ऊपर आज़ाद घूम रही हैं। तो इनको कैद नहीं रखना चाहिए, इनको आज़ाद कर देना चाहिए। ये सारी ऊपर आज़ाद घूम रही हैं, वो देखिए ऊपर, वो तार के ऊपर बैठी हुई है एक, और एक वो तो चलें अब घर चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैं स्पैरोस को उड़ा आया हूँ, तो अब वो ज़्यादा घूम रही होंगी। तो अब उसके बाद मैं अपने आया हूँ ऊपर छत पे, तो ये देखें ये बच्चे, इनका बॉक्स भी देखते हैं। बॉक्स के अंदर एक होना चाहिए, ये देखें ये एक अंदर ही रहता है चुपके। तो इनका बॉक्स साफ़ किया था, देखें फिर से बॉक्स के हालात। तो अब इसको भी इंशाल्लाह करेंगे दोबारा से। तो इसके बाद मैंने भी अंडे दिए हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते ये वालों के अंडे, फिर ये तोड़ देते हैं। और जो नीचे हैं इनके अंदर भी अंडे हैं, ये भी तोड़ देंगे, इनको भी नहीं देखेंगे। तो इनको अब दाना पानी डालते हैं। तो मैं व्लॉग को इधर ही एंड कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का यही पैगाम था कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको आज़ाद कर देना चाहिए, उनको घर वगैरह में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ना वो ये बर्दाश्त कर पाते हैं, क्योंकि वो केजेस में रहने के आदी नहीं होते। तो इसलिए उनको खरीद के ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद करें, और जितना हो सकता उतना आज़ाद करें। बाकी ये अगर है तो हमारी जो है एनवायरनमेंट वो अच्छी है, और आने वाले वक्तों में ये नहीं तो नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं इधर ही व्लॉग को एंड कर देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।